बड़ी मुश्किलों से समझाया अभी हफीज़ को और मिसबाह को और अज़हर को, ये जो अब आपका सिस्टम आया डोमेस्टिक क्रिकेट का, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें पाकिस्तान का जो टैलेंट है, रॉ टैलेंट है इस मुल्क में, जिस तरह जैसे जैसे वो पॉलिश होता रहेगा, मेरी ये एम्बिशन है, ख्वाब है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ये जो अगला वर्ल्ड कप आएगा तो उसके अंदर पाकिस्तान का टैलेंट सारी दुनिया से बेहतर नज़र आएगा। नया डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम बेहतरीन है, तब्दीली नहीं करेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा जब रिफॉर्म्स होती हैं तो मुश्किलात आती है, लेकिन अब पाकिस्तान से बेहतरीन टैलेंट उभर कर सामने आएगा। अपोजिशन ने कर दिया हुकूमत को परेशान, FATF का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2020 में तरमीम का बिल सेनेट में मुस्तरद। कायदे हिज्ब इख्तलाफ ने कौम को मायूस किया, उन्हें ओहदा छोड़ देना चाहिए। फैयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा, कहा मोटरवे का झूठा क्रेडिट लेने पर शर्म से डूब मरना चाहिए। शहबाज शरीफ और CCPO लाहौर की पोजिशन बराबर है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हर जिले में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को रात में गश्त का हुक्म। मोटरवे ज्यादती केस के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर समाप्त में चीफ जस्टिस ने कहा बताया जाए IG पंजाब रोजाना कितने घंटे और कहां कहां गश्त करेंगे। एक और केस में चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क, कहा पुलिस कब्जा ग्रुप बन जाए तो मोटरवे जैसे वाकयात होते रहेंगे। ज्यादती के मुजरिमान को सख्त से सख्त सजाएं दी जाएंगी। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं मुतासरीन की शनाख्त जाहिर नहीं की जाएगी। सख्त सजाओं के लिए वजीर आजम ने कानून साजी की हिदायत कर दी है। सरेआम फांसी की सजा अव्वलीन तरजीह है। ये वैश्य दरिंदे जो हैं, जो बच्चों से, बच्चियों के साथ, औरतों के साथ ज्यादती करते हैं, इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब उस सिलसिले में कानून साजी और पूरा जो ड्राफ्ट है वो तैयार करने की हदायत प्राइम मिनिस्टर साहब ने कर दी है। कराची में अफसोसनाक तरीन वाकया, बल्दिया में जहनी माजूर खातून के साथ ज्यादती। अदालत ने मुलजिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अगली समाअत पर मुलजिम की DNA रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। के इलेक्ट्रिक की कोताहियों से सरमायाकारी में ताखीर हुई, टैरिफ हरगिज नहीं बढ़ाएंगे। चेयरमैन नेप्रा के इलेक्ट्रिक पर गुस्सा, टैरिफ में इजाफे की समाअत के दौरान के इलेक्ट्रिक हुकाम को डांटा, कहा 2 घंटे की प्रेजेंटेशन में अथॉरिटी के जवाब ना दे सके, जितनी जज्बाती बातें कर ले नेप्रा सिर्फ हकायक देखेगा। और पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तानी खरीदो, जल्द मेड इन पाकिस्तान मोबाइल मार्केट में आएंगे। PTA ने मुल्क में मोबाइल फोन प्रोडक्शन प्लांट्स लगाने की इजाज़त दे दी।